क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, सन हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2021 का 33वां मुकाबला हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, आप सभी को बता दें फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर एक पर चल रही थी चेन्नई और सेकंड पे थी दिल्ली और नंबर लास्ट पर थी सन हैदराबाद की टीम। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी सन हैदराबाद की टीम। सन हैदराबाद की शुरुआत इस मुकाबले में खराब रही जाएंगे पास डेविड वार्नर मात्र 0 रन बनाकर नॉर्थ ईस्ट की इस गेंद पर अक्षर पटेल को अपना कैच बैठे और 0 रन पर आउट हो बैठे। तो उनके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज वृद्धिमान साहा भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों, सभी को बता दें 18 रन के स्कोर पर वृद्धिमान साहा भी रबाड़ा की गेंद पर धवन को अपना कैच बैठे और अपनी विकेट गवा बैठे। ऐसे में शुरुआत में पावर प्ले में ही ऋषभ पंत की कप्तानी में 2 बड़े विकेट मिल चुके थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। तो सबसे बड़ा झटका लगा केन विलियमसन के रूप में। दोस्तों, इस गेंद पर केन विलियमसन ने अक्षर पटेल की गेंद पर शॉट खेला लेकिन यह गेंद छक्के की ओर नहीं गई और शिमराउन हितमायर ने नीचे ठहर कर कैच पकड़ लिया और विलियमसन 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद मनीष पांडे भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस मुकाबले में पांडे ने भी 17 रन बनाकर अपनी विकेट गवा बैठे। रबाड़ा की गेंद पर रबाड़ा को ही कैच दे बैठे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बताते हैं आधी टीम डगआउट में बैठ चुकी थी सन हैदराबाद की। उसके बाद केदार जाधव भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 3 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी विकेट गवा बैठे। तो उनके बाद युवा बल्लेबाज अब्दुल समद ने 28 रनों की धाकड़ पारी खेली लेकिन वो भी रबाड़ा की गेंद पर पंत को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद होल्डर भी मात्र 10 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी विकेट गवा बैठे। उनके बाद राशिद खान आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, राशिद खान ने इस मुकाबले में पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 22 रनों की, वो भी 19 गेंदों का सामना करते वो भी रन आउट हो गए। और पहले बल्लेबाजी करते हुए सन हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 134 रन लगा दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 135 रन का पीछा करते हुए एक और बार शिखर धवन ने इस मुकाबले में काफी बेहतरीन पारी खेली लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें दूसरे सलामी बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ मात्र 11 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर सन हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इस मुकाबले में अर्धशतक नहीं ठोक पाए क्योंकि वो बल्ले 42 रनों की पारी खेलकर राशिद खान की गेंद पर अब्दुल समद को अपना कैच दे बैठे और वो राशिद खान की गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें 2 विकेट जाने के बाद भी काफी मजबूत स्थिति में थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें ऐसा लग रहा था कि सन हैदराबाद की टीम का मुकाबला खत्म हो चुका है यहीं पर लेकिन उसके बाद आया श्रेयस अय्यर का तूफान जिसने सन हैदराबाद की पूरी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 47 रनों की नाभाग पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 41 गेंदों में जिसमें से उन्होंने 2 तूफानी छक्के व 2 तूफानी चौके जड़े थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी को अंत तक नाभाग खेला और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को विजेता बनाया। उनका साथ देने आए थे ऋषभ पंत ने भी 35 रनों की धाकड़ पारी खेली वो भी सिर्फ 21 गेंदों में जिसमें से उन्होंने 2 छक्के व 3 चौके जड़े। दोनों की शैतानी पारियों की बदौलत मात्र 17 ओवर की 5वीं गेंद पर ही दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया और फिलहाल सन हैदराबाद की टीम को हराकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम नंबर 1 के पायदान पर राज कर रही है पॉइंट्स टेबल में। दोस्तों, आपको दिल्ली कैपिटल्स का यह प्रदर्शन कैसा लगा मैं एक बार जरूर बताते हुए मुकाबले के लिए आइए आप सभी को बता दें इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम यानी संजू सैमसन की सेना उधरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में पहले बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन शुरुआत मिली थी राजस्थान रॉयल्स की टीम को। उसकी टीम तो शुरुआत खतरनाक मिली जिनके पास इवन लुईस 36 रन बनाकर आउट होते हैं मात्र 21 गेंदों में। अर्शदीप की गेंद पर मयंक अग्रवाल को कैच दे बैठे। तो उनके बाद जायसवाल ने 39 रनों की धाकड़ पारी खेली लेकिन इस मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 4 रन बनाकर ईशान पटेल की गेंद पर राहुल को अपना कैच दे बैठे। दोस्तों, संजू सैमसन के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। वो उन्होंने पारी को काफी बेहतरीन तरीके से संभाल रहे थे। एक मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि वो तूफानी अर्धशतक ठोक देंगे लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें वो भी जल्दबाजी में थे अपने तूफानी अर्धशतक लगाने से। ऐसे में मात्र 1 रन से चूक गए यशस्वी जायसवाल और 36 गेंदों का सामना करते हुए वो अपनी विकेट गवा बैठे। तो उनके बाद लियाम लिविंगस्टोन भी 25 रन बनाकर शदीप गेंद पर फैबियन एलन को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद आया लुमरोर का तूफान। दोस्तों, इस मुकाबले में 43 रनों की लुमरोर ने धाकड़ पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 17 गेंदों में जिसमें से लुमरोर ने 4 तूफानी छक्के व 2 तूफानी चौके जड़े। ऐसा लग रहा था कि मैदान पर युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को मिला युवराज सिंह। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह ही धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन वो भी अर्शदीप की गेंद पर मार्क्रम को अपना कैच दे बैठे। उनके बाद रियान पराग जो कि यंगर खिलाड़ी हैं वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और रियान पराग 4 रन बनाकर अपनी विकेट गवा बैठे। ऐसे में दोस्तों, सभी को बता दें उनके बाद राहुल टिवाटिया को मोहम्मद शामी ने क्लीन बोल्ड कर रख दिया। ऐसे करके लगभग 6 बड़े विकेट राजस्थान रॉयल्स के गिर चुके थे। ऐसे में उसके बाद क्रिस मॉरिस भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मात्र 5 रन बनाकर शामी की गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतन सहकारिया भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद कार्तिक त्यागी मात्र 1 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में दोस्तों, सभी को बता दें पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में 185 रन बनाने में सक्षम हो पाई 10 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए
केएल राहुल इस मुकाबले में 39 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। जी हां दोस्तों, वो एक रन बनाकर चूक गए अपने अर्धशतक से। तो उनके साथ मयंक अग्रवाल ने भी काफी बेहतरीन पारी खेलते हुए 67 रन लगाए, वो भी आउट हो गए। तो उनके साथ निकोलस पूरन और उनके साथ एडन मार्करम की पार्टनरशिप काफी घातक होती जा रही थी। दोस्तों लगभग 19वें ओवर तक दोनों ने पूरा मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम को जिता दिया था, जहां 17 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। परंतु में मुकाबला ऐसा आ गया था कि मानो 4 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी। निकोलस पूरन बल्लेबाज से सब लोगों को लग रहा था ये मुकाबला आराम से पंजाब किंग्स की टीम जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन आउट हो गए संजू सैमसन के हाथों कार्तिक त्यागी की गेंद पर। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे, उसकी अगली गेंद डॉट हो गई। अब दोस्तों आप सभी को बता दें, 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी, संजू सैमसन कप्तान थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, कार्तिक त्यागी अगली गेंद एक और दीपक हुड्डा की बड़ी विकेट निकाली। ऐसे में अब 1 गेंद पर 3 रनों की दरकार थी। जी हां दोस्तों, कार्तिक त्यागी ने बेहतरीन तरीके से दीपक हुड्डा की विकेट निकाली और 1 गेंद पर 3 रनों की दरकार थी और आखिरी गेंद भी डॉट हो गई और मात्र 4 रन डिफेंड कर पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 गेंदों पर। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स को 6 गेंदों पर 4 रन लगाने थे आखिरी के ओवर में, पर उतने रन भी नहीं लगा पाई पंजाब किंग्स की टीम। कार्तिक त्यागी ने लगभग पूरा मुकाबला जिता दिया राजस्थान रॉयल्स को, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम हार चुकी थी। जी हां दोस्तों, 99% राजस्थान रॉयल्स की टीम में मुकाबला हार गई थी, लेकिन अंत में कार्तिक त्यागी ने जो झटका दिया केएल राहुल की पंजाब किंग्स को, वो काबिले तारीफ था, काफी बेहतरीन था। मात्र 4 रन नहीं लगा पाई पंजाब किंग्स की टीम 6 गेंदों पर। दोस्तों आपको मुकाबला कैसा लगा एक बार जरूर बताते हुए। बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला हो चुका है समाप्त। आप सभी को बताते हैं धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट। सबसे पहले इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत से ज्यादा खराब रही, इसकी शुरुआत खराब रही। जिनके पास कप्तान कोहली का सबसे बड़ा झटका लगा, जिनको प्रसिद्ध कृष्णा ने LBW आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, रिव्यू लेने के बाद भी कप्तान कोहली अपनी विकेट नहीं बचा पाए और मात्र 5 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर LBW आउट होकर वापस पवेलियन का रास्ता धोने लगे। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद देवदत्त पाडिकल भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पाडिकल भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मात्र 22 रन के स्कोर पर 20 गेंदों का सामना करते हुए लुकी फर्गुसन की करारी गेंद पर कार्तिक को अपना कैच बैठे पर 22 रन पर पाडिकल भी वापस पवेलियन का रास्ता धोने लगे। तो उनके बाद तीसरे नंबर पर आए थे श्रीकांत भारत, जो भी 16 रन बनाकर रसल की गेंद पर शुभमन गिल को अपना कैच बैठे। उनके बाद दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगा हेबी विलियर्स का, जहां एंड्रे रसल ने मात्र 0 रन पर विलियर्स को बोल कर दिया। ऐसे में 4 बड़े विकेट काफी जल्दी मिल गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, जिसके बाद तमाम कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल मात्र 10 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए और 17 गेंदों का सामना करके 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद विक्रम पतंग जारी रहा, जहां उनके बाद वनिंदु हसरंगा मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो उनका पहला मैच आईपीएल में। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद किसी बल्लेबाज ने खास प्रदर्शन नहीं किया, जहां सचिन बेदी 7, हर्षल पटेल 12, वसी राज 8। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, आरसीबी की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 52 रन बना दिए थे और आरसीबी की टीम ऑल आउट हो गई थी। मैं 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 48 रनों की धाकड़ पाई खेली सिर्फ 34 गेंद में, जिसमें से उन्होंने 6 चौके व 1 छक्का लगाया। कुछ है गेंद पर सिराज को अपना कैच बैठे। तो उनके साथ अंत में वेंकटेश अय्यर ने 41 रनों की पारी खेली और लगभग 10 ओवर में ही इस टारगेट को पूरा कर लिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को इस मुकाबले में 9 विकेटों से हराया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने लगभग 10 ओवर बाकी रहते हुए ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को इस मुकाबले में हरा दिया। दोस्तों आपको कोलकाता नाइट राइडर्स का ये प्रदर्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसका दूसरे फेज का पहला मुकाबला तूफानी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रनों से शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया, जहां सभी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जब मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी कर रही थी, तब हारे हुए मुकाबले को महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे जिताया। दोस्तों आप सभी को बता दें, क्विंटन डिकॉक जो पहले सलामी बल्लेबाज थे, उनको काफी बुरी तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने आउट किया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में जब क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस की शुरुआत करने आए बल्लेबाजी की, ऐसे में क्विंटन डिकॉक इस गेंद को खेल नहीं पाए और दोस्तों आप सभी को बता दें, मात्र 18 रन के स्कोर पर क्विंटन डिकॉक LBW की अपील से नॉट आउट दिए गए। जी हां दोस्तों, लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपना गुस्सा दिखाया। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे ही ये नॉट आउट दिया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी ने सीधा रिव्यू लेने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने थर्ड अंपायर को कहा कि आप रिव्यू लीजिए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, जब रिव्यू में देखा गया तो क्विंटन डिकॉक का पैर आगे था, ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट था, लेकिन जब क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा हट गए थे तो गेंद सीधा स्टंप्स पे लग रही थी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, मात्र 17 रन पर क्विंटन डिकॉक को महेंद्र सिंह धोनी ने वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे मैच का रुख बदल कर रख दिया और अंत में आकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने यह शानदार मुकाबला 20 रनों से अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी की चीरे से भी तेज कप्तानी। जो डिसीजन महेंद्र सिंह धोनी को नॉट आउट लग रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसे भी आउट करा दिया अपने तूफानी DRS लेने की टेक्निक से। जी हां दोस्तों, डिसीजन को नॉट आउट दिया गया था अंपायर द्वारा, लेकिन एक बार जब महेंद्र सिंह धोनी किस चीज को ठान लेते हैं तो वो उसे पूरी कर रहे हैं। अंपायर के इस डिसीजन को महेंद्र सिंह धोनी ने बदला कर आउट करा दिया गया और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में IPL 2021 का पहला मुकाबला हो चुका है समाप्त। दोस्तों आइए आप सभी को बता दें, तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और शुरुआत से ज्यादा खराब मिली चेन्नई सुपर किंग्स को, जिनके पास फैफ डुप्लेसी मात्र 0 रन बनाकर बोल्ड की गेंद पर मिलने को अपना कैच बैठे। तो दूसरे सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी 88 रनों की धाकड़ पारी खेली और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बेहतरीन अर्धशतक ठोका, जो भी सिर्फ 58 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 4 तूफान छक्के व 9 तूफानी चौके जड़े थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी इस मुकाबले में और अंत तक चेन्नई सुपर किंग्स की पारी में ना भागे। तो उनके बाद रायडू को चोट लगी और वो रिटायर्ड है, मात्र 0 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। तो उनके बाद मोइन अली भी मिलने की गेंद पर सौरभ तिवारी को अपना कैच बैठे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, सबसे बड़ा झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स को जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि दोस्तों सभी को बता दें, सुरेश रैना भी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन सुरेश रैना भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए इस मुकाबले में, मात्र 4 रन बनाकर बोल्ड की गेंद पर चहल को अपना कैच बैठे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, धोनी भी इस मुकाबले में मात्र 3 रन बनाकर मिलने की गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद ब्रावो ने सबसे अंत में धाकड़ पारी खेली 23 रनों की। ऐसे में 156 रन बना दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोस्तों 156 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी थी मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत इस मुकाबले
में हद से ज्यादा खराब रही थी। जान के पास क्विंटन डिकॉक बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे पर मात्र 17 रन बनाकर आउट हो गए थे 12 गेंदों का सामना करते हुए। तो उनके बाद अनमोलप्रीत सिंह भी मात्र 16 रन बनाकर शहर की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें दो बड़े विकेट मिल चुके थे मुंबई इंडियंस के, लेकिन उनके बाद सबसे बड़ा झटका लगा सूर्य कुमार यादव का। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। ठाकुर की गेंद पर डुप्लीसी ने उनका शानदार कैच पकड़ा। ऐसे में ईशान किशन की भी शानदार तरीके से विकेट निकाली डीजे ब्रावो ने। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में ईशान किशन की पारी की बात करें तो वो भी 11 रन बनाकर ब्रावो की गेंद पर रैनो को अपना कैच बैठे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें लगभग आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी थी। उसके बाद पोलार्ड भी 15 रन बनाकर आउट हो गए और कृणाल पांड्या भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे करके मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से हार गई थी, लेकिन अंत में सौरभ तिवारी ने 50 रन की पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा काम में नहीं आ पाई क्योंकि जब तक मुकाबला हाथ से चला गया था क्योंकि 5 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी और सौरभ तिवारी अकेले बल्लेबाज बचे थे जो इतना रन चेस अकेले नहीं कर सकते थे। ऐसे में अंत तक 50 रनों की पारी खेलकर नाबाद गए और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबला 20 रनों से जीत लिया। जी हां दोस्तों, सौरभ तिवारी भी इस मुकाबले मुंबई इंडियंस को विजेता नहीं बना पाए। और दोस्तों आप सभी को बता दें आईपीएल 2021 का दूसरा फेज जो कि यूएई में खेला जा रहा है, ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में पहले आईपीएल के मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रनों से अपनी तूफानी जीत हासिल कर ली है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 के पायदान पर चढ़ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों आपको सीएसके की ये जीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाएं कि आईपीएल 2021 की दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2021 का दूसरा फेज यूएई में शुरू हो चुका है।